आज से हम लोग क्लास 12 का अकाउंटेंसी शुरू करेंगे। क्लास 12 में अकाउंटेंसी दो पार्ट में पढ़ना है। अकाउंटेंसी दो पार्ट में पढ़ना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स और पार्ट बी 40 मार्क्स, इक्वल टू 100। पार्ट बी भी दो पार्ट में, मतलब 20 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल, और इधर 60 मार्क्स का पार्ट ए। ये दोनों मिला करके 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इस तरह से आपका एग्जाम होगा। इसमें पार्ट ए का बात करते हैं पहले। पार्ट ए में हम लोग को तीन यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्लास 11th में, फाइनल अकाउंट यहाँ भी पढ़ना है। वहाँ पढ़े थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट, यहाँ पढ़ना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। यूनिट 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। सातों चैप्टर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी पार्टनरशिप फर्म से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसमें हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है, पार्टनरशिप फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर अगर पहले से जो है वही रहेगा लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा आएगा तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कोई पार्टनर रिटायर कर जाएगा तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर पूरा पार्टनरशिप फर्म ही अगर समाप्त हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ये सारा पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को पढ़ना, और इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तीसरा यूनिट जो है कंपनी अकाउंट में तीन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये तीनों चैप्टर मिलाकर के 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यानी पूरा पार्ट ए से टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। एक एक करके सारा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। शुरू करेंगे सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन आज हम लोग सिलेबस देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज इस सिलेबस को आप लोग सब कोई लिख लीजिए, पार्ट ए का सिलेबस है।